ऋषि को बचाने के चक्कर में लक्ष्मी खुद फंस जाएगी उस लड़की के जाल में और सारे मीडिया के सामने हो जाएगी लक्ष्मी ऋषि के लिए बदनाम और वो लड़की लगाएगी लक्ष्मी पर झूठा इल्जाम, जिसे न्यूज चैनल में देखकर ऋषि की माँ और ऋषि के पापा और ऋषि हिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में ऋषि को बचाने के लिए लक्ष्मी जिस लड़की ने ऋषि पर झूठा इल्जाम लगाया है उस लड़की का एड्रेस देखकर लक्ष्मी शनाया ठाकुर के घर चली जाएगी, जहाँ पर बड़े राज का खुलासा होगा कि शनाया ठाकुर बड़ी चालाकी से पहले से अपने कमरे में न्यूज मीडिया रिपोर्टर्स को बुला कर रखी होगी, जिसके बारे में लक्ष्मी को पता नहीं होगा। लेकिन जब लक्ष्मी ऋषि को बचाने के मकसद से शनाया ठाकुर के दरवाजे पर आएगी तब शनाया ठाकुर को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी शनाया ठाकुर से सवाल करेगी कि तुमने ऋषि पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया है, जिसे सुनकर शनाया ठाकुर इमोशनल ड्रामा करेगी और कहेगी कि ऋषि ने मेरी इज्जत के साथ खेला है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम वहाँ पर थी नहीं। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी कि ऋषि किसी औरतों की इज्जत के साथ खेलता नहीं है बल्कि वो औरतों की इज्जत को बचाता है और जो तुमने ऋषि पर इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए लक्ष्मी कानूनन पेपर्स के साथ ऋषि पर जो इल्जाम लगाया है वो वापस लेने के लिए शनाया ठाकुर को साइन करने के लिए समझाएगी और समझाते हुए कहेगी कि तुमने जो ऋषि पर झूठे इल्जाम का कीचड़ उछाला है वो सच सबके सामने आ ही जाएगा, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो तुमने ऋषि पर झूठा इल्जाम लगाया है वो वापस ले लो। यह लक्ष्मी के कहने के बाद तभी वहाँ पर न्यूज मीडिया वाले अचानक से सामने आ जाएंगे और अचानक से न्यूज मीडिया रिपोर्टर को देखकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और न्यूज मीडिया वाले लक्ष्मी से सवाल करेंगे कि आपने ऋषि का केस इनको वापस लेने के लिए क्यों कहा और कहेगी कि क्या हम सच मान ले कि ऋषि ने इनको सच में मोलेस्ट किया है, जिसका गुस्से से जवाब देती हुई लक्ष्मी मीडिया को कहेगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऋषि बेकसूर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन मीडिया वाले लक्ष्मी की एक बात नहीं सुनेंगे और सवाल पे सवाल करते जाएंगे, जिस वजह से लक्ष्मी बदनाम हो जाएगी और तभी करिश्मा बुआ ऋषि को, ऋषि की माँ को और ऋषि के पापा को न्यूज टीवी चैनल चालू करने के लिए कहेगी, जहाँ पर सारे न्यूज चैनल में लक्ष्मी की बदनामी और साथ साथ ऋषि की बदनामी दिखाई जाएगी और मामला पूरा बिगड़ जाएगा। लेकिन लक्ष्मी को पता चल जाएगा कि जिस लड़की ने ऋषि पर झूठा इल्जाम लगाया है वो लड़की असलियत में कैसी है, इसीलिए लक्ष्मी उस लड़की को उसके तरीके से ठीक करने के लिए और ऋषि को कैसे भी करके इस केस से बाहर निकालने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी। लेकिन मीडिया के सामने लक्ष्मी बुरी तरह से फंस जाने की वजह से लक्ष्मी ऋषि के पापा को फोन करेगी और ऋषि के पापा लक्ष्मी को कहेंगे कि वहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके वहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी शनाया ठाकुर के घर से चली जाएगी। लेकिन जब लक्ष्मी घर पर पहुँचेगी तभी करिश्मा बुआ, मलिश्का और ऋषि की माँ तीनों लक्ष्मी पर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे और करिश्मा बुआ लक्ष्मी को कहेगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम ऋषि को बचाना चाहती हो या फिर उसे इस केस में हमेशा के लिए फंसा देना चाहती हो। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन तभी वहाँ पर ऋषि आ जाएगा और ऋषि लक्ष्मी को गुस्से से कहेगा कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सीधे घर जाओ लेकिन उल्टा तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, जिसे सुनकर लक्ष्मी रोते हुए कहेगी कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहती थी और उसने पहले से मीडिया को बुला रखा था, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। ये सब लक्ष्मी ऋषि को बोलेगी लेकिन ऋषि लक्ष्मी से बात नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऋषि को मलिश्का बचाएगी या फिर लक्ष्मी? और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।